सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप लोगों को मैं डाटा शेयर करने वाला हूँ जो दोस्तों हमारे यहाँ पे मोटर होने वाली है 0.37 किलो वाट की, यानी कि 0.5 एचपी की हमारी ये मोटर है। यही पे फ्रेंड्स, ये मोटर हमारी क्रम्पटन कंपनी की है। और दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को मैं यहाँ पे इसकी ओरिजिनल डाटा बताने वाला हूँ जो इस मोटर के अंदर से हमारी कंपनी डाल के भेजे है। दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले चलिए इसकी मैं कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन शेयर कर देता हूँ, इसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम डाटा की बात करेंगे। इससे पहले आप यहाँ पे एक बार नंबर प्लेट पे ध्यान दे दीजिएगा अपने भी मोटर के, तो यहाँ पे जो सारा चीज मैच हो रही है कि नहीं। हमारी जो मॉडल है ये हमारी मिनी क्रोम है। यहाँ पे पावर देखिए 0.37 किलोवाट और यहाँ पे जो 0.5 एचपी की हमारी ये मोटर है। यहाँ पे इसकी साइज आप देख सकते हो और यहाँ पे देखिए हमारी हेड रेंज यहाँ पे इतना है, डिस्टेंस यहाँ पे इतना है और करंट यहाँ पे जो हमारी मोटर लेती है दोस्तों वो हमारी 2.5 एम्पियर लेती है। यहीं पे अगर इसकी आरपीएम की बात की जाए तो यहाँ पे देखिए ये हमारी 2800 आरपीएम में है। और इसकी जो हमारी वाइंडिंग की हुई थी दोस्तों वो हमारी जो 4+2 की यहाँ पे जो सेट थी, 4+4 हमारी रनिंग में और 2+2 दोस्तों हमारी स्टार्टिंग में। फ्रेंड्स, ये मोटर हमारी सिंगल फेस 220 वोल्ट एसी करंट पे रन भी करती है। और दोस्तों, अगर कैपेसिटर की बात की जाए यानी कि इस मोटर को रन कराने के लिए जो हमारी रन कैपेसिटर यूज ली जाती है दोस्तों वो हमारी 10 MVA की 440 वोल्ट में यहाँ पे जो यूज में ली जाती है। तो दोस्तों, यहाँ पे कुछ इस तरह से यहाँ पे इसकी जो है बेसिक इन्फॉर्मेशन है। अभी दोस्तों यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसकी आईडी ओडी और यहाँ पे जो स्टेटस साइज हम आपको बता देते हैं ताकि यहाँ पे डाटा डालने में किसी भी मोटर में दिक्कत ना हो। या स्टेटर की अगर मोटाई की बात की जाए 3 सेंटीमीटर की आ रही है। यही पे दोस्तों ओडी की बात की जाए यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी दोस्तों ये हमारी 11 सेंटीमीटर से थोड़ा सा कम है। यही पे फ्रेंड्स, अगर आईडी की बात की जाए यानी कि जहाँ पे हमारी रोटर लगती है तो ये दोस्तों हमारी जो है तकरीबन 5 सेंटीमीटर की यहाँ पे जो है आ रही है, यानी कि आईडी हमारी यहाँ पे 5 सेंटीमीटर है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने ये चीज़ तो जान लिया, अब आइए आपको मैं डाटा बताता हूँ। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि इसी तरह की और भी लेटेस्ट हमारी जो भी आने वाली वीडियो होगी आप लोग को जल्द देखने मिले। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हो हमने यहाँ पे जो कॉइल है इसके अंदर से जो निकाला था वो हमने यहाँ पे जो ले लिया है। और यहाँ पे देखिए ये हमारी स्टार्टिंग की कॉइल है और ये दोस्तों हमारी रनिंग की कॉइल है। यहाँ पे रनिंग हमारी यहाँ पे जो जली हुई थी और स्टार्टिंग हमारी यहाँ पे बिल्कुल सुरक्षित है। अब फ्रेंड्स, चलिए आपको मैं डाटा बताता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले आपको मैं रनिंग की डाटा बताता हूँ क्योंकि रनिंग कॉइल ही हमारी सबसे पहले स्लॉट में डलने वाली है। दोस्तों, यहाँ पे देखिए हमारी सबसे छोटी है, इसके बाद वाली है, इसके बाद वाली, इसके बाद वाली, यानी कि 1, 2, 3, 4। सबसे पहला नंबर यहाँ पे कॉइल उठा लेते हैं। हमने जो वायर को गेज किया तो यहाँ पे 27 नंबर की कॉपर वायर हमें जो है देखने को मिली है रनिंग कॉइल में, यानी कि 27 से रनिंग कॉइल को रिवाइंडिंग की गई है। और यहीं पे दोस्तों, अगर कॉइल टर्न की बात की जाए तो यहाँ पे हमें जो सबसे छोटी वाली में कॉइल टर्न देखने को मिली है 104 टर्न, यानी कि 104 टर्न इसके अंदर जो सबसे छोटी वाली में हमें देखने को मिली है। अब फ्रेंड्स, यहाँ हम नेक्स्ट कॉइल को उठाते हैं और इसके अंदर जो हमें टर्न देखने को मिली है वो हमारी 106 टर्न, यानी इसके अंदर टर्न हमें जो देखने को मिली है यानी कि 3 नंबर वाली में 108 टर्न। फिर जो आप लास्ट कॉइल देख रहे हो यानी कि 4 नंबर वाली मिली है 110 टर्न, यानी कि 104, 106, 108, 110, यानी कि कुछ इस तरह से यहाँ पे जो इसके अंदर कॉइल टर्न देखने को मिली है। और दोस्तों, यहाँ पे कॉइल पिच जो हमारी थी वो हमारी 1 से 6, 1 से 8, 1 से 10, 1 से 12, यानी कि कुछ इस तरह से इसकी जो है कॉइल पिच है। अगर दोस्तों वायर वेट की बात की जाए तो आपको डिस्प्ले पर वायर वेट शो हो रही है रनिंग कॉइल की, यही हमारी रनिंग कॉइल की वायर वेट है। यहाँ पे चलिए आपको मैं स्टार्टिंग की डाटा बता देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमारी जो है ये भी हमारी कॉइल यहाँ पे जो है हमने काउंट करके रखा हुआ है और इसके अंदर दोस्तों यहाँ पे जो SWG हमें जो देखने को मिली है वो हमारी 29 नंबर की कॉपर वायर, यानी कि स्टार्टिंग कॉइल को 29 नंबर वायर से रिवाइंडिंग की गई है। यही पे दोस्तों, अगर कॉइल टर्न की बात की जाए यहाँ पे देखिए 2 की सेट है, सबसे छोटी सबसे बड़ी। तो यहाँ पे सबसे छोटी वाली में हमें 150 टन देखने को मिली है, दूसरी वाली में भी दोस्तों में 150 टन ही देखने को मिली है 29 नंबर की कॉपर वायर से। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर कॉइल पिच की बात की जाए तो कॉइल पिच हमारी 1 से 10 और 1 से 12 में यहाँ पर हमारी ये कॉइल डली हुई थी। अगर दोस्तों यहाँ पे इसकी जो है वायर वेट की बात की जाए यानी कि स्टार्टिंग कॉइल की अगर वायर वेट की बात की जाए तो आपको डिस्प्ले पे वायर वेट शो हो रही है, यही हमारी स्टार्टिंग कॉइल की वायर वेट है। दोस्तों, इस हाफ एचपी मोटर की हमारी इस कंपनी के अंदर से यही डाटा निकल के आई है जो हमारी काफ़ी परफेक्ट है और ओरिजिनल डाटा है। तो दोस्तों, इस डाटा को आप अपने भी स्टेटर में यूज कर सकते हो। अगर दोस्तों यहाँ पे आईडी ओडी सेम होगी या सेम मोटर होगी तो आप आसानी से इस डाटा को अपने मोटर में डाल सकते हो। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि इसी तरह की और भी लेटेस्ट हमारी जो भी आने वाली वीडियो होगी आप लोग को जल्द देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई वीडियो किसी नई फूल के साथ। तब तक के लिए अलविदा, टेक केयर, बाय बाय।